तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं गूगल पे, फोन पे और पेटीएम में से कौन सा सबसे बेस्ट है, और बिल्कुल प्रूफ करके मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप लोग तीनों यूज़ करते होंगे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, और आप सोचते होंगे कि हम अपना बैंक अकाउंट इससे लिंक कर रहे हैं तो कौन सा सिक्योर है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बैंक लिंक करना बहुत बड़ी बात होती है, दोस्तों ये तीनों आपके बैंक यूपीआई को सपोर्ट करते हैं और आप अपना बैंक इससे लिंक करते हैं। तो आइए फ्रेंड जानते हैं कौन सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल पे का। तो गूगल पे में दोस्तों आपको मिल जाता है, बहुत सारे ऑफर्स भी मिलते हैं और इसकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी सिक्योर है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं जैसा गूगल पे से। और यहाँ पे दोस्तों पहले हम मेरिट की बात कर लेते हैं, पहले इसके गुण देख लेते हैं फिर इसके अवगुण जानेंगे कि दोस्तों इसका डिमेरिट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोन पे में आपको क्या मिल जाता है, फोन पे से भी आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे और डिटेल्स रिचार्ज वगैरह कर लेंगे और थोड़ा मार्केटिंग वगैरह, टिकट बुक वगैरह भी उससे हो जाता है, जैसा कि फोन पे में काफ़ी सारा फीचर्स भी इस समय ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड आइए इसमें जान लेते हैं पेटीएम में। तो दोस्तों पेटीएम से क्या है, पेटीएम में क्या है, पेटीएम में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें आप लोग देखते होंगे मोबाइल रिचार्ज डिटेल सारा का सारा है, इसका वॉलेट वगैरह है, और साथ ही मिल जाता है आपको पेटीएम माल जहाँ से आप कुछ भी परचेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फीचर, पेटीएम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेवरेट भी हो गया है, बहुत ज़्यादा पेटीएम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे सिनेमा का टिकट वगैरह या दोस्तों हर एक लाइन में पेटीएम से आप पेमेंट वगैरह, अपना बिल वगैरह कुछ ही पे वगैरह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिमेरिट जानते हैं, इसके अवगुण, किसके सिक्योरिटी हार्ड है और किसकी सिक्योरिटी दोस्तों लो है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड आगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं बैंक से रिलेटेड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ गूगल पे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इसका खुद का वॉलेट वगैरह नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है आप लोग देखते होंगे कि सीधे सीधे आपके अकाउंट से ही पैसा कटता है और क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी वॉलेट वगैरह नहीं दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों इसके डिमेरिट है, इसके वॉलेट नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आइए आगे बात करते हैं फोन पे के बारे में। तो फोन पे भी बहुत अच्छा सिक्योर है, और सबसे ज़्यादा है इसमें क्या है, कंप्लेन की जो प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर टिकट वगैरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं या दोस्तों डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे में कॉल का ऑप्शन नहीं होता है, आप मेल के थ्रू कोई भी अपना बात वगैरह रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फोन पे में क्या है, डायरेक्ट आप कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट के माध्यम से क्या होगा, टिकट के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं और 3 दिन के अंदर आपका जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह फंसा रहता है बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। यहाँ पे आए दोस्तों पेटीएम के बारे में बात करते हैं। पेटीएम में तो खुद का वॉलेट वगैरह सब कुछ है, लेकिन इसकी दोस्तों जो सिक्योरिटी है थोड़ा लो है, क्योंकि आप देखते होंगे डाटा वगैरह लीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और दिक्कत हो जाती है। यहाँ से बैंक अगर अपना लिंक करते हैं बैंक अकाउंट वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, हाँ लेकिन वॉलेट में पैसा वगैरह अपलोड करके यूज कर सकते हैं, बैंक ना लिंक करें तभी यहाँ पे पेटीएम तक ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गूगल पे भी काफ़ी अच्छा सिक्योर है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है इसका वॉलेट वगैरह नहीं, सीधे सीधे आपके बैंक से ट्रांजेक्शन करेगा और कोई भी कंप्लेन वगैरह करने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, मेल के थ्रू करेंगे। लेकिन दोस्तों अब मैंने फोन पे खुद यूज किया है और हमने देखा है कि फोन पे में क्या होता है, अगर उसको कोई कंप्लेन वगैरह आप कर देते हैं 3 दिन के अंदर वो आपका कंप्लेन का सुझाव कर देते हैं, और सबसे अच्छी इसकी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट होता है, जो ही आप करते होंगे तुरंत दोस्तों ट्रांजेक्शन वगैरह बहुत ही फास्ट यहाँ पे वर्क करता है। दोस्तों इसमें फोन पे काफ़ी अच्छा हमको लगा, और दोस्तों यहाँ पे आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा अच्छा आपको लगता है ऐप, लेकिन जो भी क्लियर था मैंने क्लियर बता दिया सारी की क्वालिटी, और यहाँ पे दोस्तों गुड और गुड दोनों का दोनों मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। जो भी अच्छा लगा फ्रेंड वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, मिलता है फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।